हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। तो एक्सेल फॉर मार्केटिंग के इस नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि क्लिपबोर्ड का हम कैसे यूज करेंगे एक्सेल में, और क्लिपबोर्ड के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा सा फनी बात मैं बोल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे कॉपी पेस्ट करना आता है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के इतने सारे तरीके हैं और हर तरीकों को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं वन बाई वन आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा। भी सोच रहे होंगे ये क्या बकवास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कॉपी पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना जरूरी है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल और अट्रैक्टिव वे में इसको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहे। देखिए, तो मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले मैं सिंपल आपको ये बताऊंगा। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेलेक्ट करते हैं, देन हम कॉपी करते हैं और किसी भी प्लेस पे जहाँ पे मुझे चाहिए होता है वहां पर हम क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कोई डेटा को कट करना होता है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, कट पर क्लिक करता हूँ, देन जहां पर मुझे चाहिए होता है वहां पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो कॉपी पेस्ट डुप्लीकेशन के लिए, कट पेस्ट एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करने के लिए। अब मैं आपको अलग क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिए। ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या है, कुछ डिजाइन अप्लाई है, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई है, ठीक है। कुछ और फॉर्मेटिंग मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। चलिए, अब थोड़ा सा बेटर। अब हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप से पेस्ट का यूज कैसे किया जाता है। तो सिंपली मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कंट्रोल सी कॉमन है, कंट्रोल सी यूज करें। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया इसको, अब मुझे इसको पेस्ट करना है। देखिए, अब मैं पेस्ट के आपके डिफरेंट वेज बताता हूँ। तो पेस्ट पे डायरेक्ट क्लिक ना करें, अब एरो में जाए। देखिए, जैसे ही आप एरो में जाते हैं पेस्ट के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पेस्ट को आप हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पेस्ट की। नॉर्मल पेस्ट मींस जैसे आप पेस्ट करें तो नॉर्मल पेस्ट होगा, इट मींस जो अवेलेबल है सारा आ जाएगा सेम। फिर हम लोग बात करेंगे फॉर्मूलाज की। ओके, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ फॉर्मूलाज पे, देखिए ये इस डेटा को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि इसका पहला तो फॉर्मेटिंग हट गया सारा, और वहां पे लिखा हुआ था फॉर्मूला, इट मींस कि इसमें जो फॉर्मूला अवेलेबल है, देखिए इसमें फॉर्मूला अवेलेबल है, डबल क्लिक करने से सेल का फॉर्मूला शो करेगा। तो इसमें फॉर्मूला जहाँ जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला अवेलेबल है। तो बाकी सारी चीज़ों को हटा दिया, ये टेक्स्ट को सिंपल कर देता है, फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता है, और केवल आपका सेल में जो भी फॉर्मूलाज रहेगा वो एज इट इज अवेलेबल होता है। देन हम फिर से कॉपी करते हैं उसको। तो समझ में आया आपको फॉर्मूलाज का काम। देन हम बात करेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। जब हम फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू पेस्ट करते हैं तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये है ओनली फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला विथ नंबर फॉर्मेटिंग। देखिए, इसमें क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग मींस कि जैसे ये जो नंबर वैल्यू था ये परसेंटेज में था, तो इसका फॉर्मेटिंग नंबर का हट गया। ये जो नंबर्स था ये 0.00 में शो कर रहा था, ये नंबर फॉर्मेटिंग इसका हट गया। ये जो वैल्यू था ये अमाउंट करेंसी के रूप में शो कर रहा था, ये आपका जो फॉर्मेटिंग है इसमें हट गया था। तो अगर आप केवल फॉर्मूला लेते हैं तो इस फॉर्मेट में आता है, और फॉर्मूला विथ नंबर फॉर्मेटिंग लेते हैं तो जो भी नंबर्स आपने अप्लाई किए हुए हैं दूसरे सेल पर, उस सेल का जो भी फॉर्मेटिंग होगा, उस नंबर का जो भी फॉर्मेटिंग होगा कॉपी किए हुए डेटा में, वो एज इट इज आपका पेस्ट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पेस्ट ऑप्शन की। उसके बाद आपके पास पेस्ट ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेट। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मीन्स कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं ये एज इट इज उसी फॉर्मेट में फॉर्मूला के साथ सारी चीजों के साथ आपको पेस्ट करके फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज, हर एक चीज अवेलेबल करें। देन हम लोग बात करेंगे नो बॉर्डर की। अगर हम इस ऑप्शन के थ्रू पेस्ट करते हैं तो ये एज इट इज सारी चीजों को रखेगा, लेकिन देखिए कहीं पर भी बॉर्डर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इसमें बॉर्डर है, इसमें बॉर्डर, तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी बॉर्डर अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप कोई डेटा को कॉपी कर रहे हैं और आपको उसको पेस्ट करना है विदाउट बॉर्डर, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको रिमूव बॉर्डर करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन यूज करें पेस्ट का, डायरेक्ट उससे हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट पेस्ट ऑप्शन देखते हैं। देन यहाँ पर है विड्थ। सोर्स विड्थ का मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैं आपको दूसरे फॉर्मेट से बताऊंगा। जैसे कि मेरे पास ये बड़ा फॉर्मेट, मैं इसको कॉपी कर ले, सेलेक्ट किया मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी और एक न्यू शीट ले, अब मुझे पेस्ट करना है, मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने डायरेक्ट पेस्ट किया, देखिए इसका जो फॉर्मेटिंग है वो तो है, लेकिन इसका जो कॉलम का विड्थ था और अरेंजमेंट था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए इसमें क्या है, परफेक्ट अरेंजमेंट में कोई भी टेक्स्ट कट नहीं रहा है, सबका साइज बढ़िया है, तो सारा चीज़ प्रॉपर वे में अरेंज है, लेकिन जब हम इसको पेस्ट किए तो ये अरेंज नहीं हुआ। तो मुझे करना क्या था, मुझे सेलेक्ट करना था और मुझे यहाँ पे यूज़ करना था ये वाला ऑप्शन जिसको बोलते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ।
इट मीन्स कि जब आप कोई डेटा को कॉपी करते हैं, कोई फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, स्पेशली ये फॉर्मेट के लिए, इट मीन्स कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आप किसी सेल से कॉपी कर रहे हैं, किसी शीट से कॉपी कर रहे हैं, तो आप कीप सोर्स विड्थ का यूज करें। इससे क्या होगा कि कॉलम विड्थ जो होगा एज इट इज आएगा, फॉर्मेटिंग एज इट इज आएगा, फॉर्मूला एज इट इज आएगा, जो कि आपके कॉपी किए हुए डेटा में अवेलेबल है, तो आपको दोबारा से अरेंज करना नहीं पड़ेगा, कॉलम रिसाइज करना नहीं पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को यूज करने से ये एज इट इज आपका कॉलम विड्थ, फॉर्मेटिंग फॉर्मूला, सारे चीजों को शो, हर एक ऑप्शन का अलग अलग यूज है, मैं आपको सारे क्लियर करूंगा। देन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस डेटा को मुझे ऐसे नहीं, मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चाहिए था, मुझे वर्टिकली नहीं चाहिए था, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा और मुझे वर्टिकल चाहिए, मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकली शिफ्ट कर देगा, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर देगा। अब ये जो आपका है हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया, कभी भी हैच साइन आप देखते हैं किसी भी सेल में, तो सिंपली कॉलम को थोड़ा सा रिसाइज कर लीजिएगा, सेल को रिसाइज कर लीजिएगा, तो आपका वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये हॉरिजॉन्टल है, अब इसको मुझे वर्टिकल करना है, तो मैं इसको कॉपी किया और मुझे इसको वर्टिकल चाहिए, तो मैं जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके सिंपली ट्रांसपोज करूँगा। देखिए तो आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल आप किसी भी मोड पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, आपको बार बार उसको टाइप करके लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी टेक्स्ट को आप डायरेक्टली ट्रांसपोज ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान से यूज करिए। देन हम लोग बात करेंगे वैल्यूज की, पेस्ट वैल्यूज। अब क्या पेस्ट वैल्यूज कब होता है यूज और किस लिए यूज किया जाता है, आगे आप लोग वीलुकअप फंक्शन पढ़ेंगे, वीलुकअप में पेस्ट वैल्यू यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैंने इस सेक्शन को कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ पेस्ट वैल्यू से, नॉर्मल ऑप्शन। तो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट वैल्यू किया, तो देखिए इसके अंदर का जो फॉर्मूला है वो हट गया, मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप जो वैल्यू कॉपी करके ला रहे हैं कहीं से, आप चाहते हैं कि उसमें फॉर्मूला जो है वो हट जाए और जो आपका वैल्यू शो कर रहा है वो वैल्यू एग्जैक्ट शो करे और फॉर्मूला रिमूव हो जाए, तो आप पेस्ट वैल्यू का यूज करते हैं। देन सिमिलरली उसी तरह से मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे परसेंटेज वाले ऑप्शन पे आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका वैल्यू विथ नंबर फॉर्मेटिंग है, इट मीन्स कि ये आपका वैल्यू एज इट इज रखेगा और साथ में फॉर्मेटिंग को भी एज इट इज रखेगा, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है वो आपका फॉर्मेटिंग के साथ रहेगा। इसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग अवेलेबल नहीं है, तो फॉर्मेटिंग अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि ये थोड़ा सा दिखने में आपको परफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपका क्लियर विजिबल है। देन उसी तरह से मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ थर्ड वाले ऑप्शन पे, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या होगा कि वैल्यू आएगा और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मीन्स कि इसका फॉर्मूला रिमूव हो गया है और जो फॉर्मेटिंग उसमें था सेम फॉर्मेटिंग है, तो ये दोनों देखने में सेम है लेकिन इसमें फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है और इसमें फॉर्मूला अवेलेबल है, और इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शन, सिंपल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मीन्स कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो भी फॉर्मेटिंग था, इसका जो भी डिजाइन था, वो डिजाइन यहाँ पर आ गया, बाकी जितना भी टेक्स्ट था वो टेक्स्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अगर आपको कोई फॉर्मेट चाहिए किसी डॉक्यूमेंट में, ऑलरेडी आपके पास फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप सिंपली उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स फॉर्मेटिंग रखेगा, बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर देगा। देन हम लोग बात करेंगे लिंक मोड की। पेस्ट लिंक में क्या होगा कि ये लिंक मोड में आएगा, इट मींस लिंक मोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल और मैं लिख देता हूँ टोटल और ब्रैकेट में लिख दिया इन रुपीज़, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे लिख के एंटर किया, देखिए ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गया, अपडेट हो गया। जैसे दिसंबर के पास यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं दिसंबर में यहाँ पे टाइप करता हूँ दिसंबर 5, देन मैं एंटर कर दिया, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे वैल्यू लिखा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज हो गया। ये आपका ऐसा वैल्यू इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में जाएगा। जैसे आप डेट लेंगे तो देखिए ये चीज़ आपका इसके बेसिस पे, ये भी आपका डेट ही है तो इसके बेसिस पे ये चेंज हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसमें आपका पेस्ट एज अ पिक्चर।
तो इस टाइप के पिक्चर से क्या होता है कि जैसे आप कोई डेटा कॉपी कर लिए और इसको आप पिक्चर फॉर्मेट में रखना चाहते हो, तो देखिए ये क्या होगा, ये एक आपका पिक्चर बन गया, यानी कि ये कुछ इस तरह का आपका फॉर्मेटिंग को शो करेगा। यानी कि आप अगर कोई वैल्यू को पिक्चर के मोड पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पिक्चर के मोड पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका एक लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक मोड पे मैं पेस्ट करूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, पेस्ट पिक्चर लिंक करूँगा। तो पेस्ट पिक्चर लिंक से क्या होगा कि ये आपका कुछ इस तरह का शो करेगा। अब इससे होगा क्या कि अगर आप कोई वैल्यू सपोज यहाँ पे चेंज करते हैं, तो देखिए ये जो वैल्यूज़ है ये आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जैसे ये वैल्यू चेंज होगा, होगा क्या कि आपका वो फिगर जो है वो अपडेट होता जाएगा। देखिए जो फिगर है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, ये पिक्चर है लेकिन ये लिंक मोड में है क्योंकि इसके साथ ये लिंक हो गया। तो जैसे जैसे ये अपडेट होगा वैसे वैसे ये अपडेट होगा। तो बहुत बार वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पेस्ट का ऑप्शन सारा क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा और इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल सा एक ऑप्शन देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली करता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं इसका फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये सिंपल सा लिखा हुआ, अब इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका जो डिज़ाइन है उसी फॉर्मेट में मुझे सारे को करना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूँगा और मैं इन सारे ऑप्शंस को क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग क्या हुए, चेंज हो गए। उसी तरह से सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस अप्लाई किए हुए हैं इसमें मुझे इस एप्पल में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, या फिर मैं टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, अब इसी फॉर्मेट में मुझे ये सारे चीज़ों को अरेंज करना है। इसमें बोल्ड अप्लाई है, इसमें रेड कलर अप्लाई है। अब इसको सारे में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको सेलेक्ट किया, देन मैंने इसको सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर और जिसमें भी अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो उसका डिज़ाइन एज इट इज़ हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और दूसरे सेक्शन अप्लाई कर दे। तो इस तरह से आप वर्क करें और इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होता है वो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।